दोस्तों, अपने छोटे मोटे कीड़ों को तो अपने आसपास घूमते हुए जरूर देखा ही होगा, और इन छोटे कीड़ों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि भाई ये कीड़े हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। दुनिया भर में एक्सीडेंट से जितने ज्यादा लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग इन कीड़े मकोड़ों के काटने से मर जाते हैं। ये देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनका दिया हुआ घाव इतना ज्यादा गंभीर होता है कि पल भर में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। कई बार तो इन कीड़ों के डंक मारने से तुरंत पता भी नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक इन कीड़ों का जहर अपना असर दिखा चुका होता है। वैसे आज के इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के 5 ऐसे कीड़ों के बारे में बताऊंगा जो कि चलती फिरती मौत है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 5 पर है बुलेट एंट। यह चींटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है। यह एक ऐसी चींटी है जिससे कई मीलों दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर गलती से भी इस चींटी ने आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस कीड़े के अंदर एक खास तरह का जहर पाया जाता है, जो कि किसी भी इंसान के अंदर जाते ही उसे बहुत ही तेज दर्द का अनुभव होता है। वैसे इस चींटी के काटने से इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन इसका जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इस चींटी का द्वारा काटा हुआ दर्द आपको एक बंदूक की गोली लगने के बराबर का होगा। यही कारण है कि इस चींटी को बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पर है असद से फ्लाइज। अफ्रीका में ये मधुमक्खी जो बीमारी फैलाती है उसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। अगर इस बीमारी का समय से इलाज न कराया जाए तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, और इसके अलावा इस बीमारी का इलाज भी काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब यह मधुमक्खी किसी को काटती है तो यह उसके अंदर जानलेवा पैरासाइट्स को छोड़ देती है, जिसकी वजह से इंसान का अपना कंट्रोल खो जाता है और उसे नींद ना आने की समस्या भी पैदा होने लगती है, और इसके बाद उस इंसान को काफी दर्दनाक मौत मिलती है। यह बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके चलते अफ्रीका में ही हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3, किसिंग बग। इस बग का नाम जितना रोमांटिक है, यह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। इन्हें किसिंग बग नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह अलग अलग जीवों का खून चूसते हैं, और इसका एक और कारण है कि जब भी ये किसी इंसान के सामने आता है तो यह उसके सिर्फ लिप्स पर ही डंक मारता है। ऐसा शायद ये इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर के मुकाबले लिप्स पर डंक मारने और लिप्स से खून चूसना इनके लिए ज्यादा आसान होता है। यह किसिंग बग सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं चूसता है, बल्कि इंसानों के अंदर पैरासाइट्स भी ट्रांसफर कर देता है, जिससे इंसानों की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान मरने के कगार पर आ जाता है। इस जीव के द्वारा मारा हुआ इंसानों की गिनती तो किया जा सकता है, मगर इस जीव के प्रकोप से मरने वाले जानवरों की संख्या बहुत ही ज्यादा होता है। नंबर 2, प्लीज। यह एक ऐसा कीड़ा है जो कि जिंदा रहता है सिर्फ खून पीकर। यह देखने में आपको भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन दुनिया भर में प्लेग जैसी बीमारियों को फैलाने वाला एक जीव है, जिसकी वजह से कुछ सालों पहले यूरोप में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। यह जीव अपनी पूरी लाइफ एक जानवर के शरीर से दूसरे जानवर के शरीर में ट्रांसफर होकर ही बिताते हैं, और इसी के साथ साथ ये कई तरह की बीमारियों का आदान प्रदान भी करते हैं। इसके शिकार में कुत्ते, बिल्ली और कई तरह के पक्षी, और इसी के साथ साथ इसमें इंसान भी शामिल है। ये जिस शरीर में खून चूसने के लिए रहते हैं, उनके ही शरीर में कई हजारों की तादाद में अंडे दे देते हैं, जो कि सिर्फ एक महीने के टाइम पीरियड में ही कई लाखों में बदल जाते हैं। नंबर 1, बॉट फ्लाइज। ये नॉर्मल मधुमक्खियों से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब यह मधुमक्खी किसी इंसान या जानवर को काटती है तो यह उसके अंदर अपना लावा छोड़ देती है। यह लावा पैरासाइट की तरह इंसानों की स्किन के नीचे ही रहता है और धीरे धीरे इस स्किन के आसपास तरह तरह के साइड इफेक्ट्स बनाने लगता है, और इसके अलावा इस मधुमक्खी के एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे घिनौनी बात यह है कि ये मधुमक्खी अपना डंक मारते समय किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के अंदर अपने अंडे भी छोड़ देती है, और इस मधुमक्खी के बच्चे इंसान के शरीर में ही बड़े होने लगते हैं। जैसे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना घिनौना लग रहा होगा, तो फिर आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये मधुमक्खी कितनी ज्यादा खतरनाक होती होगी। इस मधुमक्खी से बचकर रहना, वरना आप भी इसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे।
दोस्तों, आपको इन सभी डेंजरस बग्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस बग कौन सा लगा, और आप इन सभी में से कितने जीवों को अपनी आंखों से देखा है, और क्या आपको इसमें से किसी ने काटा है? अगर काटा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।